हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल INDIE प्लस में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेसफिन पर्सनल लोन एप्लीकेशन की, जो कि दोस्तों स्टेसफिन की तरफ से एक नया अपडेट आ रहा है। अगर आप लोगों को अपनी जो है लोन लिमिट बढ़ानी है तो आप लोग ये वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि स्टेसफिन की तरफ से नया अपडेट क्या है और आप लोग कैसे अपनी जो है लोन लिमिट बढ़ा सकते हो। यानी कि अगर आपकी लिमिट 5,000 की है तो सीधा 10,000 हो जाएगी, अगर 10,000 की है तो 15,000 रुपये आपकी लिमिट कर दी जाएगी, ठीक है जी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है स्टेसफिन पे लोन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप लोग लोन एप्लीकेशन यूज करते होंगे, काफ़ी ज़्यादा पर्सनल लोन वगैरह लेते होंगे, जो कि शॉर्ट टाइम लोन मिलता है किसी एप्लीकेशन में 15 दिन के लिए, किसी में 28 दिन के लिए, किसी में 62 दिन के लिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों सबसे बेकार मुझे तो ये एप्लीकेशन लगती है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि एमरजेंसी के केस पे ये एप्लीकेशन वर्क कर जाती है। यहाँ पे गाइस आप लोग जो है लोन लेते हो इस एप्लीकेशन पे तो आपको जो है बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो चलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि आपको ये कितना महंगा पड़ता है, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को जो है इसकी लिमिट इंक्रीज करने का तरीका भी बता दूंगा कि कैसे आप लोग अपनी लिमिट हाइयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ 9,000 वाले अमाउंट पर क्लिक करेंगे। 9,000 पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो ये अमाउंट मिलता है, ये 3 EMI के लिए मिलता है, यानी 3 महीने के लिए मिलता है, ठीक है जी। तो यहाँ से हम जो है इसके 3 महीने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमने जो है 3 महीने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए गाइस, टोटल अमाउंट जो कि हो गया 9,000 रुपये का ऊपर, ठीक है। EMI हो गई यहाँ पे 3, ओके गाइस, यहाँ पे देख सकते हो नंबर ऑफ EMI। अब टोटल अप्रूव जो अमाउंट है वो हो गया आपका जी ये 9,649 रुपये, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों को जो इंटरेस्ट लग रहा है वो 3,000 का लग रहा है 3 महीने में, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हो जो कि 649 रुपये फीस लग रही है यहाँ पे आप लोगों की, ठीक है जी। उसके बाद जो अमाउंट आता है वो आता है यहाँ पे 9,000 रुपये आपके बैंक में रिसीव होता है, ओके। और आपको जो टोटल रिपेमेंट करनी होती है वो करनी होती है भैया 12,649 रुपये, ओके गाइस। यहाँ पे 3 महीने का आपको जो है टाइम मिल जाता है जी, अगर आप लोग स्टेसफिन से पर्सनल लोन लेते हैं तो। अब इसके बाद अगर आप लोग जो है इसमें अपनी लिमिट बढ़ाना चाहते हैं तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे इसकी जो नई अपडेट ये है कि आपको इसमें EKYC करनी होगी। अगर आपको EKYC का ऑप्शन मिल गया है तो आप लोग EKYC करके अपनी जो है लिमिट यहाँ पे बढ़ा सकते हो, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे ऊपर बता दिया गया है कि भैया आप अपनी जो है EKYC कम्प्लीट करो और आप एलिजिबल हो जाओगे हाइयर लिमिट के लिए, ओके गाइस। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम EKYC में क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर हमें देने पड़ते हैं और क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ जो है कंप्लीट EKYC वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे आधार कार्ड से EKYC कंप्लीट होगी, तो चलिए कंप्लीट EKYC पे क्लिक करेंगे। कंप्लीट EKYC पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको ओपन होने देते हैं, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे जो है KYC पेज ओपन हो रहा है, थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है गाइस, क्योंकि मैंने भी जो है 2-3 दिन पहले इसको ओपन कर रहा था तो ये KYC पेज ओपन नहीं हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं गाइस, तो यहाँ पे KYC पेज ही है जहाँ पे हमें अपने आधार कार्ड के थ्रू KYC करनी होगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम कंप्लीट यूआर आधार KYC यहाँ पे लिख के आ रहा है, तो इस पर जो है क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे वेट करते हैं, देखते हैं हमें आधार नंबर एंटर करने का ऑप्शन मिलता है क्या। तो यहाँ पर गाइस जो है कुछ डिजिट एंटर आ रहा है, तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आधार कार्ड नंबर जो है पहले से ही एंटर है, हमें यहाँ पे कुछ भी एंटर नहीं करना है। आधार नंबर मेरा पहले से यहाँ पे एंटर आ रहा है। अगर आप लोग EKYC कंप्लीट करते हैं तो आपने जो भी आधार नंबर दिया होगा, यानी जो भी आधार कार्ड दिया होगा, उसका नंबर यहाँ पे पहले ही आ जाएगा, ठीक है जी। तो हमें यहाँ पे कोई भी आधार नंबर नहीं एंटर करना, और यहाँ पर देख लेते हैं तो यहाँ पर और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम जो है इसके बाद यहाँ नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है कैप्चर कोड एंटर करने का ऑप्शन आ रहा है, तो चलिए ये कैप्चर कोड मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। जो कैप्चर कोड जैसा है आपको वैसे ही यहाँ पे एंटर करना होगा, ठीक है। उसके बाद चलिए यहाँ इसकी टर्म एंड कंडीशन को एग्री कर लेते हैं और सबमिट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे गाइस सबमिट पे आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे, वैसे आपके जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP भेजा जाएगा, ठीक है। तो चलिए OTP हमें यहाँ पर रिसीव हो गया, तो OTP मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। आपके मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर एंटर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है शेयर कोड यहाँ पे ये आ रहा है, तो आप लोग इसको जो है चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, अदरवाइज़ जो नंबर अपने आप यहाँ पे फिलअप आ रहा है
वो आप लोग यहाँ पे फिलअप रहने देना, ठीक है। तो चलिए हमने इसको जो है चेंज कर दिया, क्योंकि अभी जो है हमें आगे एक्सेलरम फाइल डाउनलोड करने के लिए इसको एंटर करना होगा। ओके गाइस, तो चलिए इसके बाद जो है हम यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फिर से हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो ऑफलाइन ई केवाईसी है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे गाइस हमने जो है ई केवाईसी यहाँ पे तो कंप्लीट दिखा रहा, चलिए कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम जो है यहाँ एप्लीकेशन पे आ गए। तो यहाँ एप्लीकेशन पे आने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं जो कि बताया जा रहा है कि जो है अभी हमारी एप्लीकेशन अप्रूव नहीं हुई। तो यहाँ पे गाइस जो मेरी लोन लिमिट 9,000 रुपये तक ओपन थी, लेकिन यहाँ पे गाइस जो ई केवाईसी कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे जो एनेबल टू अप्रूव बता रहा है कि जो हमारी एप्लीकेशन यानी जो मेरी लोन एप्लीकेशन है वो अभी एबल नहीं है यहाँ पे अप्रूव होने में, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे जो है करंटली बता दिया कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ, तो इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उससे जो मेरी डिटेल है वो मैच नहीं हुई, ठीक है, यानी मेरे लिए अभी कोई इनके पास ऑफर नहीं है। ओके गाइस, तो ये हो गया गाइस केवाईसी करने का तरीका, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आपको अपनी लिमिट बढ़ानी है तो आप लोग जो है इसमें ई केवाईसी कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे गाइस इस एप्लीकेशन की यही प्रॉब्लम है कि ये कभी भी आप लोगों को बता देती है कि भैया आप एलिजिबल नहीं हो, आपके लिए कोई ऑफ़र नहीं है, ये है वो नहीं है। उसके 2-3 दिन बाद ही गाइस आपके लिए ऑफ़र निकल के आ जाता है, दोबारा से निकल के आ जाता है। आप इसको एक बार अनइंस्टॉल कर दोगे, 2-4 दिन बाद डाउनलोड करोगे तो दोबारा से आपके लिए ऑफ़र निकल के आएगा। यानी इस एप्लीकेशन का यही सिस्टम है गाइस, अगर आप लोग जो है इसमें लंबे टाइम तक लोन नहीं लोगे और उसके बाद अप्लाई करोगे तो आप लोगों को ये बताएगा कि आप एलिजिबल नहीं हो। उसके बाद आप लोग इसको अनइंस्टॉल कर दोगे, दोबारा से 1 हफ्ते बाद 15 दिन बाद इसको इंस्टॉल करोगे तो ये आपके लिए नए नए ऑफ़र फिर से दिखा देगी, ठीक है गाइस।